हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण ड्रेस क्रिएशन। आज हम प्लेटेड कुर्ती डिज़ाइन करने वाले हैं। उसके लिए मैंने हाफ मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया लाइनिंग के लिए, और यहाँ पे हमने 4 मीटर रियोन फैब्रिक यूज़ किया है कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए। सो फर्स्ट हम टॉप पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है। अब हमने इसकी लेंथ है जो 15 इंच रखी है, और जो इसकी विड्थ है वो हमने 10 इंच रखी है। अब हम शोल्डर पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क लगाया है, और आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों के आर्म होल पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मार्क लगाना है। मैंने यहाँ पे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क लगाए हैं। मार्क लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे, और जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम लाइनिंग को अच्छे से रखेंगे, और लाइनिंग के ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों हमने रख लेना है, और पिन से सिक्योर करके इसको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने अच्छे से यहाँ पे स्टिच लगाने हैं फ्रंट और बैक साइड दोनों। नेक्स्ट हम नेक के लिए करेंगे। यहाँ पे मैंने राउंड शेप का नेक लिया था, उसको मैंने एक फैब्रिक में स्टिच कर लिया, और इसको भी हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे अच्छे से। और ये हमारा बैक साइड का जो नेक है इसको भी हम अच्छे से रख के यहाँ पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाया है, और यहाँ हमने इसकी जो लेंथ है डीप वो हमने इसकी 5 इंच रखी है। इसके बाद हमने इसको हल्का सा कर्व शेप दे देना है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हम एक पट्टी लेंगे फैब्रिक की, उसको हम अच्छे से नेक पे स्टिच करेंगे लाइक दिस। और ये हमारा फ्रंट साइड का है नेक, इसको हम सेंटर में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इसको हम अंदर इजिली फोल्ड कर सकें। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, और ये हमारा बैक पार्ट का नेक है, इसको हम अंदर की तरफ करके स्टिच कर देंगे या तुरपाई कर देंगे। अब हमने दोनों के शोल्डर पार्ट को स्टिच करना है, इसको अंदर की तरफ रख के। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब यहाँ पे हम स्टिच करेंगे दोनों साइड से। फिटिंग पे मार्क जहाँ जहाँ हमने लगाया है वहीं पे स्टिच करना है हमने। स्टिच करने के बाद अब हमने स्लीव के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने स्लीव के लिए 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है,
इसकी जो लेंथ है वो हमने 17 इंच रखी है। और इसकी विड्थ हमने 9 इंच रखी है। 9 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ हम कर्व शेप देंगे। और यहाँ हमने 4 इंच पे मार्क लगाना है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने स्लीव को स्टिच कर लिया था। स्टिच करने के बाद अब हमने आर्म होल से इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद हमारा जो टॉप पार्ट है वो रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम बॉटम पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रखा है। फोर फोल्ड करने के बाद अब हमने लेंथ पे मार्क करना है। जिसकी लेंथ है वो मैंने 31 इंच रखी है। 31 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद अब हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने प्लेट्स बनानी है लाइक दिस। ऐसे ही हमने प्लेट्स डालनी है और इसको हमने अपर पार्ट से स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद अब हमने जो हमारी साइड्स हैं उसको भी स्टिच करना है। हमने दोनों साइड की साइड्स को स्टिच करना है और नीचे हमने इसको फोल्ड करके स्टिच करना है लाइक दिस। स्टिच करने के बाद हमारी कुर्ती रेडी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें।